आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुर्दशा है। ये रसोई संघ की हमारी बहनें हैं, ये भूपेश बघेल जी की राज में आज किस तरीके से हमारी माताओं बहनों का हाल है। एक तरफ इनकी राष्ट्रीय नेता कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और ये हाल बन चुका है प्रदेश के हमारी माताओं और बहनों का। ये लोग अपनी मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन इनकी आवाज़ को दबाने के लिए जोगी निवास के बाहर ही इनको नज़रबंद कर दिया जाता है। इनको ये कह दिया जाता है कि आपको यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, और इनकी मांगों को, इनकी आवाज़ों को कुचलना चाहते हैं। लेकिन हम लोग ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश हमारी माँ का प्रदेश है, हमारी महतारी का प्रदेश है, और ये इन माओं के साथ किसी भी प्रकार से अगर अत्याचार होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग जोगी जी के सिपाही हैं, और हम लोग की कहीं ना कहीं यह महत्वपूर्ण बात भी है कि अगर कोई भी घटनाएं होती है या किसी प्रकार से हमारी माताओं बहनों पर विपदा आती है, तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल तत्पर खड़े रहेंगे।